Hi, all, welcome back. So, we will now start with inclusions in the value of supply. So, let's see what all to be included in the value of supply and what all to be excluded from it. Right? The value of supply includes certain elements which are enumerated and discussed below. First, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस एंड चार्जेस अदर देन सी जी एस टी एस जी एस टी जी एस टी चार्ज सेपरेटली इफ चार्ज सेपरेटली तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कोई भी टैक्स ड्यूटी या फी अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको भी इंक्लूड करना है बट कौन से टैक्स ड्यूटीज और फीस इंक्लूड नहीं करना है तो सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी और सी और जीएसटी सेस इनको इंक्लूड नहीं करना ऐसा क्यों क्योंकि यही तो वो टैक्सेस है जिसको हमको लगाना है मतलब बेसिक वैल्यू पे आप कौन सा टैक्स लगाते हो जीएसटी तो वैल्यू में अधर देन जीएसटी जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस को क्या करेंगे हम इंक्लूड फॉर एग्जांपल जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना फ्रेंड्स तब मान लीजिए गुड्स आपने इंपोर्ट किए हंड्रेड रुपीज के तो इस पर लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी टेन परसेंट तो कितना हुआ वन वन जीरो और ये वन वन जीरो होता है और ये वन वन जीरो जो है इस पर लगता है आईजीएसटी मान लीजिए एटीन परसेंट ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन रुपीज वुड बी योर आईजीएसटी तो जो आपका वैल्यू है वैल्यू ऑफ सप्लाई उसमें बेसिक वैल्यू प्लस जो आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे की उसको इंक्लूड करेंगे उसके बाद जो टोटल वैल्यू आएगी उसको हम मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है समझ आ रहा है तो टैक्सेस को भी इंक्लूड करना है लेकिन कौन से टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना है सी जी एस टी एस जी एस टी आईजीएसटी एन जीएसटी सेस क्योंकि ये कौन से टैक्सेस है दीज आर द टैक्सेस टर लेविड अंडर जीएसटी तो इनके अलावा के जो भी टैक्सेस हैं उनको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे ठीक है एग्जाम्पल इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज अ म्यूनिसिपल टैक्स इन रिलेशन टू द गुड्स बींग सप्लाइड जो गुड्स वो सप्लाई कर रहा है उस पर उसको क्या पे करना पड़ रहा है म्युनिसिपल टैक्स एंड बिल्स द सेम सेपरेटली सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड किया हमारे एग्जाम्पल में उसी तरीके से कोई गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं और उस पर आपको म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उस म्यूनिसिपल टैक्स को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर क्या लगेगा जीएसटी लगेगा ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है इन द सेम सिचुएशन इफ द सप्लायर पेज द म्युनिसिपल टैक्स बट डज नॉट चार्ज द सेम सेपरेटली इवन देन सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज द सप्लायर वुड है कॉस्ट ऑफ गुड्स देखिए दो सिनियो हो सकते हैं आप बेसिक वैल्यू दिखाएं उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स अलग से दिखाएं या फिर आप सीधा टोटल वैल्यू दिखा रहे हैं लेकिन उसमें म्यूनिसिपल टैक्स क्या है इंक्लूडेड तो दोनों ही केसेस में अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स अलग से दिखाएं तो वो केस या फिर सीधा क्या दिखा रहे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वन वन केसेस में जो म्यूनिसिपल टैक्स है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू लेवी जीएसटी ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर एग्जाम्पल आपने इन में सीधा वन वन जीरो लिखा ये अमाउंट बी और हंड्रेड दोनों को अलग से नहीं दिखाया हंड्रेड क्या है बेसिक वैल्यू तो दो चीजें कर सकते हैं आप या तो दोनों को अलग दिखाएं या तो अगर आप दोनों को साथ में भी दिखा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है इसमें बी सी डी मस्ट बी इंक्लूडेड क्योंकि यही वैल्यू है जिसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ सप्लायर इस पर क्या लगेगा जीएसटी लगेगा ठीक है सो so ये था फर्स्ट सेकंड देखते हैं पेमेंट्स टू थर्ड पार्टीज़ एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे बट विच हैज बीन इंकर्ड बा रेसिपियंट ऑफ अ सप्लाई एंड नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें गुड्स की वैल्यू थी हंड्रेड ट्रांसपोर्ट की वैल्यू थी टेन तो इस केस में जो टेन रुपीज है ये कौन पे कर रहा है रेसिपियंट ऑन बिहाफ ऑफ सेलर मतलब जो गुड सप्लाई की डील हुई थी उसमें यह डिसाइड हुआ था कि टोटल कंसिडरेशन इज वन वन जीरो मतलब जो बायर है वो सेलर को एक सौ दस रुपए पे करेगा जिसमें टेन रुपीज क्या है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस तो इस केस में जो बायर है ठीक है वो क्या कर रहा है टेन रुपीज जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस वो ट्रांसपोर्टर को पे पे कर रहा है क्योंकि सेलर ने उससे कहा है कि जैसे ही गुड्स तुम्हारे यहां पे अनलोड हो तुमको क्या करना है ट्रांसपोर्टर को दस रुपए पे कर देना है और ये बाद में तुम मैं तुम्हें रिएमबर्स कर दूंगा ठीक है तो ये हुई है डील जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अरेजमेंट है वो इस तरीके का है कि जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है दैट हैज टू बी पेड बाय सेलर नॉट टू बी पेड बाय बायर लेकिन बायर ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ सेलर तो बिल हंड्रेड का बनेगा कि बिल वन वन जीरो का बनेगा तो प्रोविजन कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस बायर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ सेलर उन सभी को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है तो बिल पे जो टोटल बेसिक वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई वो होगी वन वन जीरो और उस पर क्या लगेगा जीएसटी लगेगा सो so क्या लिखा है पेमेंट टू थर्ड पार्टीज एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे लाइबिलिटी किसकी पे करने की सप्लायर की बट विच हैज बीन इंकर्ड बाय द रेसिपियंट ऑफ सप्लाई एंड नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ठीक है तो आपको बिल कितने का बनाने का है वन वन जीरो का अगर आप हंड्रेड का बिल बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा क्या बोला है नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस अगर आप वन वन जीरो का बिल बनाते हैं तो कोई इशू ही नहीं है लेकिन आप अगर हंड्रेड का बिल बना रहे हैं तो दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज ये जो टेन रुपीज है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करने की सेलर की पे किसने किया बायर ने तो ये टेन रुपीज जो सेलर है वो बायर को रिएम्बर्स करेगा और इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा एक और एग्जांपल लेते हैं सेलिंग कमीशन का जो सेलर है वो एक कमीशन एजेंट के थ्रू अपने गुड्स सप्लाई करता है ये जो कमीशन एजेंट है इसने एक बायर फाइंड आउट किया और सेलर को कहा कि इसको गुड सप्लाई करो हंड्रेड रुपीज के जिसमें वन परसेंट क्या होगा मेरा सेलिंग कमीशन तो ये जो सेलिंग कमीशन है ये मान लीजिए मिस्टर ए सेलर है मिस्टर बी बायर है जो सेलिंग कमीशन है रुपीज वन का हमारे ट्रांजेक्शन में यह सेलिंग कमीशन बायर ने पे कर दिया और सेलर ने कहा कि मैं बाद में तुम्हें यह रिएमबर्स कर दूंगा तो इनवॉइस कितने का बनेगा 99 का या 100 का इनवॉइस बनेगा 100 का क्योंकि 100 इंक्लूड्स रुपीज वन ऑफ सेलिंग कमीशन ये सेलिंग कमीशन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी सेलर की कमीशन एजेंट को अपॉइंट किसने किया सेलर ने तो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई सेलर की ठीक है तो ये एक्सपेंस कौन पे करेगा सेलर इसलिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा इंक्लूडेड होगा ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है पॉइंट टू नोट हिस्टर इज दैट अमाउंट पेड बाय द रेसिपियंट क्या बोला है अमाउंट पे पेड बाय द रेसिपियंट टू दर्ड पार्टी थर्ड पार्टी मतलब ट्रांसपोर्टर कमीशन एजेंट है ना हमारे केस में विल बी एडेड टू द वैल्यू अंडर दिस क्लॉज ओनली वेन इन अमाउंट को एड कप करना है ओनली वेन द सप्लायर इज अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट टू सच थर्ड पार्टीज एंड द सेड पेमेंट इन रिलेशन टू द सप्लाई क्या बोला है जब कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस पे करने की या कमीशन सेलिंग कमीशन पे करने की जो लाइबिलिटी है वो किसकी है वो सेलर की लाइबिलिटी है तभी ही इन अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा अगर यह अमाउंट कौन पे करता है बायर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर ठीक है फ्रेंड्स क्लियर है अमाउंट कौन पे कर रहा है बायर लाइबिलिटी किसकी थी सेलर की किसके भी हाफ पे पे कर रहा है बायर सेलर के भी हाफ पे ये न, इन अमाउंट्स को किसमें इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है एक एग्जांपल देखते हैं ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट विथ एबीसी कंपनी टू कंडक्ट डीलर्स मीट सो जो ग्रैंड बिज है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसने दिया है एबीसी ने ग्रैंड बिग्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू कंडक्ट डीलर्स मीट

प्राइजेस ग्रैंड बेज ने क्या किया खुद जितने अरेंजमेंट्स करने थे कर लिए बाकी का क्या किया काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है तो उसने दूसरे वेंडर को सब कॉन्ट्रैक्ट किया मान लीजिए बी नाम है उसका ठीक है अब बी को क्या करना है सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑडियो सिस्टम प्रोजेक्टर वगैरह अरेंज करना है ग्रैंड बेज इज लाइबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रेक्टर बी को जो भी पेमेंट करना है वो कौन करेगा ग्रैंड बेस करेगा ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वॉन्ट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी एबीसी कंपनी अग्रीज टू पे द बिल रेस्ड बाय सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंडबिज ऑन रिसीविंग द द्रेड्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंडबिज टू एबीसी ठीक है क्या बोला है ये जो बी है हमारा वेंडर इसको ये जैसे ही सप्लाई करेगा गुड्स इसको क्या चाहिए पेमेंट तो ग्रैंडबिज ने ए को कहा कि जो भी बी सप्लाई कर रहा है उसका पेमेंट आप बी को डायरेक्टली कर दो ठीक है मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक्स केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो पेमेंट है वो क्या मांग रहा है बी जो वेंडर है हमारा किसका ग्रैंड बिज का जो वेंडर है वो ड्रिंक्स का पेमेंट क्या मांग रहा है ऑन डिलीवरी तो जैसे ही ड्रिंक्स डिलीवर हुई एबीसी ने वेंडर को क्या कर दिया पे कर दिया सॉफ्ट ड्रिंक के लिए अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए पे करने की लाइबिलिटी किसकी थी ग्रैंड क्योंकि वेंडर जो है उसको अपॉइंट किसने किया सब कॉन्ट्रैक्ट किसने किया ग्रैंड तो जो वैल्यू ऑफ ड्रिंक्स है वो ग्रैंड एबीसी के बिल में इंक्लूड नहीं किया गया किसने किया बिज ने एबीसी को बिलिंग किया मान लीजिए 120 का इसमें सब आ गया फ्लावर्स डेकोर है ना और जो भी फूड आइटम्स वगैरह चाहिए थी लेकिन क्या नहीं आया केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स का पेमेंट तो एबीसी ने ऑलरेडी वेंडर को कर दिया था तो लॉ ये कहता है कि यह जो पेमेंट है वो करने की लाइबिलिटी ग्रैंडवेस की थी एबीसी की नहीं थी तो यह जो पेमेंट है वो ग्रैंडविज को करना चाहिए था और वैल्यू ऑफ सप्लाई में मान लीजिए टेन रुपीज इंक्लूड करना चाहिए था किसका पेमेंट किसका है ये अमाउंट टेन रुपीज सॉफ्ट ड्रिंक्स का अमाउंट और जो वन थर्टी रुपीज है दैट शुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई वन ट्वेंटी नहीं होना चाहिए ठीक है और 130 पे क्या लगेगा GST लगेगा जीएसटी ठीक है फ्रेंड्स तो क्या हुआ इसमें जो थर्ड पार्टी है वेंडर उसको किसने पे किया एबीसी ने जो कि कौन है रेसिपियंट ऑफ सर्विस पे किसको करना चाहिए था ग्रिज को पे करना चाहिए था वेंडर को लेकिन ग्रैंडबिज के बिहाफ पे किसने पे किया एबीसी ने पे किया तो क्या इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है करना है क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट्स मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर उसको हमको किसमें इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हुआ फाइन आगे बढ़ते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एस कमीशन पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपियंट ऑफ अ सप्लाई इंक्लूडिंग एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या बोलते हैं ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन आ गया इंश्योरेंस आ गया कमीशन आ गया पैकिंग आ गया ठीक है ये जितने भी एक्सपेंसिस हैं जो कि इंसिडेंटल टू सप्लाई है ठीक है ट्रांजिट इंश्योरेंस आ गया तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है ये सभी जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई है और जो भी बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स किए गए हैं सप्लाई करने से पहले सेलर ने सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ने जितने भी खर्चे किए आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सप्लाई उन सभी एक्सपेंसेस को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है एग्जांपल देखते हैं ठीक है इसमें बोला है कि कौन कौन से तरीके के जो डायरेक्टली इंसिडेंटल एक्सपेंसिस हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे तो कमीशन इंक्लूड होगा पैकिंग इंक्लूड होगा इंस्पेक्शन होगा सर्टिफिकेशन चार्जेस होगा ठीक है इंस्पेक्शन हो सकता है ना आपने मशीन सप्लाई किया तो सामने वाले बंदे ने बोला कि मशीन का मुझे टेस्टिंग करना है ठीक है तो रॉ मटेरियल वगैरह सब आप लेके आए ठीक है तो उस बंदे ने मशीन का ट्रायल करके देखा और मशीन वॉश सक्सेसफुल तो ये जो टेस्टिंग एंड ट्रायल का जो एक्सपेंस हुआ ठीक है जो आपने इंकर किया रॉ मटेरियल आप लाए मशीन का ट्रायल किया है ना मशीन को बायर के प्रमाइसिस तक पहुंचाया तो ये भी जो भी सारे एक्सपेंसेस है मशीन सेल करने से पहले आपने इंकर किए तो दीज आर द एक्सपेंसिस इंसिडेंटल टू द सप्लाई और इनका जो भी वैल्यू होगा इंसिडेंटल एक्सपेंसिस का दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस इंस्टॉलेशन मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज ठीक है टेस्टिंग चार्ज इंस्पेक्शन चार्ज वेइंग चार्जेस लोडिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस इंकर बिफोर द सप्लाई वेईमेंट चार्जेस क्या होता है फ्रेंड्स आपसे कस्टमर ने कहा कि जो भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो वो वेट के बेसिस पे कर रहे हो मतलब आपकी डील हुई पर केजी मैं चार्ज करूंगा हंड्रेड रुपीज और मैं हंड्रेड के जी गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो टोटल कंसीडरेशन कितना होगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट इज टेन थाउजेंड रुपीज तो बायर कहता है कि जो आपका टेम्पो आ रहा है उसका वेट करवा के आओ तो वेट करवाने के भी चार्जेस होते हैं और ये जो चार्जेस है इनको हम कहते हैं वेमेंट चार्जेस वेट करा के क्या पता पड़ेगा कि जो गुड सप्लाई किए उनका वेट जो सेलर ने कमिट किया था बायर को वो एक्चुअल वही वेट है या नहीं है ठीक है सो दिस इज द एक्सपेंस बिफोर द सप्लाई एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई इट इज इंसिडेंटल टू सप्लाई इसीलिए क्या होगा इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे ठीक है लेट्स रीड द नेक्स्ट वन outward freight and transit insurance where the supplier agrees to deliver the goods at the buyer's premises and arranges for transport the contract of supply becomes a composite supply the principal supply being the supply of goods therefore outward freight becomes part of value of composite supply and gst is payable thereon at the same rate as applicable for the relevant goods Kya रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स एट बायर्स फेमाइस तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की लाइबिलिटी किसकी हुई सप्लायर की ट्रांसिट इंश्योरेंस की लाइबिलिटी किसकी हुई सप्लायर की और ये जो सप्लायर ये जो सप्लाई का कॉम्बिनेशन है गुड्स एंड सर्विस का जिसमें यू आर सप्लाइंग गुड्स प्लस यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्लस यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसिट इंश्योरेंस ये किस तरीके का सप्लाई होगा दिस इज अइंड ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई वेर इन स्लाई ऑफ गुड्स इज अम्पो सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड अदर सप्लाईज आर एंशिलरी सप्लाईज तो ये जो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा विच इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसिट इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इनका जो टोटल वैल्यू होगा उस पर रेट किसका लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई का यानी गुड्स का रेट लगेगा ठीक है ये हम कॉम्पोजिट सप्लाई में ऑलरेडी पड़ चुके हैं ठीक है हाउ एवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस मतलब

वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि फ्रेट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से किसकी थी बायर की थी ठीक है सिमिलरलीफ ओ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स ट्रांजिट बिकम पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एफ ओ आर मतलब फ्री ऑन रोड या फिर फ्रेट ऑन रोड जिसमें सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बायर के प्रमाइसिस पे गुड्स पहुंचाने की उस केस में अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो दैट विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो जो इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी आप चार्ज करते हो मान लीजिए दो महीने में पेमेंट करना था नहीं किया उसने चार महीने में किया तो आप क्या चेयर चार्ज करोगे इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया दैट शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एग्जाम्पल देखते हैं सप्लाई प्राइस डेट टू थाउजेंड इज मेड विद्रेडिट पीरियड ऑफ वन मंथ फॉर पेमेंट क्रेडिट पीरियड कितना हैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है टू थाउजेंड देर आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ ट्वेल्व परसेंट इज चार्ज पेमेंट इज रिसीव आफ्टर द लैप्स ऑफ टू मंथस दो फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई डेट ऑफ सप्लाई से आफ्टर लैप्स ऑफ टू मंथ क्या आया पेमेंट द अमाउंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एन एम दैट इज वन परसेंट पर मंथ ऑन टू थाउजेंड फॉर वन मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट इज ट्वेंटी मतलब पेमेंट कब आया वैल्यू ऑफ सप्लाई से दो महीने के बाद क्रेडिट टर्म कितना था एक महीना तो लेट कितना हुआ एक महीना तो एक महीने का इंटरेस्ट वन परसेंट वन परसेंट ऑफ टू थाउजेंड कम्स टू ट्वेंटी रूपीज ठीक है तो सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू वैल्यू एंड दस

That consideration excludes subsidy given by central government or state government. और इसके अलावा अगर कोई और private company या कोई और local body हमको subsidy देती है, तो वो सभी subsidies क्या करेंगे? Value of supply में include करेंगे। Exclude कौनसी करेंगे? केवल subsidies given by central government and state government. ठीक है example देखते हैं। Selling price of notebook is 50 ठीक है। Notebook sold to students in government schools. फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल अ कंपनी पेज अ कंपनी यूजेज इट सी एस आर फंड पे दैलर रुपीज थर्टी एक सेलर है जो क्या करता है गवर्नमेंट स्कूल में नोटबुक सप्लाई करता है और नोटबुक की वैल्यू कितनी है फिफ्टी रूपीज ठीक है तो एक कंपनी है उसने क्या किया अपना सी एस आर फंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है डोनेशन के लिए एक फंड डिजाइन रहता है कंपनी के पास तो कंपनी ने क्या किया पचास रुपए की नोटबुक थी ना तो सेलर को बोला तीस रुपए मुझसे ले ले और बीस रुपए किससे ले लेना स्टूडेंट से ठीक है जो स्कूल में स्टूडेंट उनसे कितने लेना बीस रुपए तीस रुपए मुझसे ले ले तो तीस रुपए क्या हुआ सब्सिडी हुई मतलब बच्चों को जो पचास रुपए पे करने पड़ रहे थे उसकी जगह बच्चों को कितना पे करना पड़ेगा केवल ट्वेंटी क्योंकि थर्टी पर नोटबुक तो किसने पे कर दिया कंपनी ने तो जीएसटी किस पे लगेगा जो ट्वेंटी रुपीज स्टूडेंट ने पे किया उस पर टोटल फिफ्टी पे टोटल फिफ्टी पे लगेगा क्योंकि ये जो सब्सिडी है थर्टी रुपीज की ये किसकी वजह से मिली है ये सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनी एंड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती तो जीएसटी किस पे लगता केवल ट्वेंटी रुपीज पे ठीक है रीड करते हैं Company uses its CSR funds to pay the seller rupees 30 so that the notebooks so that the students pay only rupees 20 per notebook. The value of notebook will be 50, as this is a non-government subsidy, and if the subsidy is paid by central government or state government, the value of the notebook would be 20. Okay, friends. Simple, hai? fine.